भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। हर बदलते दिन के साथ देश में कोरोना के नए आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना से 3,52,991 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा लगातार पांचवा दिन है जो कि निकलकर सामने आ रहा है, जब भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार चले गए हैं। यानी पिछले 5 दिनों में ही देश में 15 लाख नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट काल के शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की, रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत पीछे नहीं रहा। अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूटा है तो दुनिया साथ है। अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात कही है, साथ ही अन्य कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यूके ने भी भारत के लिए इलाज में काम आने वाले कई उपकरणों को रवाना कर दिया है। सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देश इस वक्त भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर्स मुहैया कराने में जुटे हैं, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर्स बिल्कुल भी नहीं है, या फिर हैं तो लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब फायदा ये हो रहा है कि दूसरे देश लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि भारत की स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार कोरोना पेशेंट की मौत होती जा रही है। ऑक्सीजन चाहिए मरीजों को, हमारे देश में उत्पादन तो है ऑक्सीजन का लेकिन कंटेनर्स उतने नहीं हैं ताकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अस्पतालों में उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। यानी ये वाली जो प्रक्रिया है यहाँ पर देश में मजबूती थोड़ी कम है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भले ही पहले से कमज़ोरी सामने आ रही है, और यही वजह है कि अब बाहर के देश कंटेनर्स मुहैया करा रहे हैं भारत को, ताकि उस ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाया जा सके, जगह अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा सके, अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जा सके और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भारत एक ऐसे वक्त का सामना करना पड़ रहा है भारत को जिसको आफत काल कहा जाएगा, जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक साल पूरा गुजर चुका है, एक साल से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, और इसी स्थिति की वजह से सब लोग परेशान हैं। रोजगार पर संकट है, घरों पर संकट है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपाय इसका सिर्फ यही है कि आप लगातार मास्क लगाकर रखिए, जितना हो सके घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही निकलिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।